दोस्तों, अब मैं जो वीडियो आपको दिखाऊंगी उसमें मैंने हल्द्वानी में एक काफ़ी फेमस लक्ष्मी मंदिर है उसकी रिकॉर्डिंग करी। हुआ ये था दोस्तों कि ये आज शुक्रवार था और हमने पहले से ही प्लान बना रखा था कि शुक्र के दिन, क्योंकि वो लक्ष्मी जी का दिन होता है, तो हम लोग जरूर जाएंगे और लक्ष्मी माँ के दर्शन करके आएंगे। जैसे हम मंदिर में पहुंचे, काफ़ी भव्य मंदिर है दोस्तों, और मैं कभी जा नहीं पाई इस मंदिर में, तो हमने रिकॉर्डिंग, जैसे मैं करती हूँ हर मंदिर की रिकॉर्डिंग, इसकी भी मैं रिकॉर्डिंग करने लगी। मैं अंदर गई, रिकॉर्डिंग करती चली गई दोस्तों, और आधे जब हम दर्शन कर चुके थे और मैं आप लोगों के हिसाब से रिकॉर्ड्स मतलब वीडियो मेरे चल रहे थे, तो मुझे दिखाई दिया कि वहाँ लिखा हुआ है कि आप सीसीटीवी की निगरानी में हैं और यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना मना है। तो दोस्तों मैंने फट से जो है अपना कैमरा बंद कर दिया और मैंने उसमें बोला भी है ये बात कि सॉरी, मतलब मैंने ये कैप्शन देखा नहीं। और उसके बाद दोस्तों हमने मंदिर के दर्शन किए और मैंने देखा कि ना पंडित जी मुझे टोक रहे थे मेरे हाथ में, मैं तो अपने मोबाइल से सारी रिकॉर्डिंग करती हूँ, तो मंदिर में मुझे पंडित जी ने भी कुछ नहीं टोका और किसी ने भी कुछ मना नहीं किया। तो मैंने रिकॉर्डिंग फिर से करनी शुरू कर दी और रिकॉर्डिंग करते करते मैं ये भी कह रही थी कि भगवान जी मुझे माफ़ कर देना, शिव जी मुझे माफ़ कर देना, लक्ष्मी जी मुझे माफ़ कर देना कि मैं थोड़ा बच्चों वाली हरकतें कर रही हूँ, बचपना कर रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूवर्स मंदिर को देखें और आप सबको उनका आशीर्वाद मिले। मैं बहुत हैरान हो गई हूँ दोस्तों घर आने के बाद, कि जब मैंने अपनी रिकॉर्डिंग को चेक किया एडिटिंग के लिए, तो मैं देखती क्या हूँ कि मंदिर के बाहर तक की रिकॉर्डिंग मेरी बहुत अच्छी हुई है, नॉर्मल हुई है। और जैसे ही मैंने मंदिर के अंदर एंटर किया है दोस्तों, मैं इस ऑप्शन को जानती भी नहीं थी, रिकॉर्डिंग के टाइम लैप्स एक ऑप्शन होता है, मुझे बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि मेरे पास नॉर्मल सा एंड्रॉयड फ़ोन है और मैं बहुत टेक्निकली बहुत साउंड नहीं हूँ, तो मैं तो नॉर्मल जैसे रिकॉर्डिंग इतने सालों से करती आ रही हूँ वैसे मैंने रिकॉर्डिंग करी, लेकिन मंदिर के अंदर जितनी भी रिकॉर्डिंग हुई है दोस्तों वो टाइम लैप्स में हो गई है, यानी कि थोड़ा फास्ट मोड में हो गई है। और जैसे ही फिर मैं मंदिर से बाहर आई हूँ फिर रिकॉर्डिंग नॉर्मल हो गई है। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें, ऐसी कुछ घटनाएं होती है दोस्तों जो आपको बहुत कुछ सोचने में मजबूर कर देती हैं। मैंने वो किया जो वहाँ करना मना था, तो अब मैं नहीं जानती कि मंदिर में कोई ऐसे इक्विपमेंट लगे थे कि जो इस तरह से नहीं सुन रहा है उनके ऑटो मोड में ऐसा वीडियोस हो जाएंगे, या क्या बात थी, और या फिर ये भगवान की कोई लीला थी। तो खैर, जो भी था भगवान प्रभु जी और जो भी था व्यूअर्स, मैंने जितनी भी रिकॉर्डिंग मैं कर पाई नॉर्मल मोड में और टाइम लैप्स मोड में, मैं आपके लिए उस मंदिर के दर्शन लेके आई हूँ, और आप आगे उसको देखिए और आप सबको उनका आशीर्वाद मिले, यही मेरी आशा है। चलती हूँ दोस्तों, वीडियो को एंजॉय करिएगा।